छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ने सेवा कार्यों में अपना एक और हाथ बढ़ाया है। राजधानी में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय ने गायत्री नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर को सोलर वाटर सिस्टम प्रदान किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल और जगन्नाथ मंदिर पूजा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा सहित आम लोग मौजूद थे। ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किए गए इस सोलर वाटर सिस्टम को मंदिर की छत पर लगाया गया है। इस मशीन की वजह से मंदिर में गर्म पानी की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही मंदिर में बनने वाला भोजन भी गर्म पानी से तैयार किया जाएगा। ये सारे हमारे ग्राहक गण भी और पूरे राज्य के रायपुर के लोग मंदिर से काफी जुड़े हैं, तो हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा जगह हमारी तरफ से जो भी मुआवजा हो या कंट्रीब्यूट करते हैं हम सोसाइटी को, ये बेहतर तरीके से चले। इन्हें मंदिर को थोड़ा गर्म पानी का जरूरत है तो सोलर पंप लगवाए हैं, क्योंकि दूसरे भी काफी चीजें कर सकते थे, बट आजकल ये है कि हम एनवायरमेंट वाले एरिया में थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं, तो सोलर पावर का जितना उपयोग हो हम खुद ही उसको बढ़ावा दें, इस आशय से हमने ये किया था। इसका अच्छा उपयोग होगा। गर्म पानी जिसमें आएगा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सौजन्य से जगन्नाथ मंदिर को प्राप्त हुआ है। मैं पूरे परिवार को, ग्रामीण बैंक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बैंक का खाता बढ़ता रहे, आवक बढ़ता रहे और सबको परिवार को सुखी रहते रहे। और इस अवसर पर यह बोलना चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवार ने जगन्नाथ परिवार में शामिल हुआ और जगन्नाथ परिवार ने ग्रामीण परिवार में शामिल हुआ, दोनों के एक दूसरे के पारस्परिक संबंध बना रहे, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।